तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाना कपकेक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बनाना लिए हैं वो है ये छोटे साइज के, इसलिए मैं डेढ़ बनाना ले रही हूँ, यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज का बनाना है तो फिर आप एक ही बनाना यूज़ कीजिएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको हटा देंगे हम। ये बनाना वैसे छोटे ही हैं, इसलिए मैं दोनों बनाना ले रही हूँ। हमें बनाना का जो फ्लेवर है वो केक या कपकेक में अच्छा बहुत लगता है, पर होता ये है कि जब हम ज़्यादा बनाना ऐड कर देते हैं तो हमारा जो केक है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और चिपचिपा सा हो जाता है। सब जो मैदे का जो बैटर हमारा स्पंजी फ्लफी बनना चाहिए उस टाइप का बनता नहीं है। तो इसलिए कभी ऐसा ना करें कि आप बनाना का फ्लेवर बढ़ाने के चक्कर में उसमें खूब सारा बनाना ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम इसको पहले मैश कर लेंगे, और बनाना आपका अगर स्पून या फोक से अच्छे से मैश ना हो तो अपने हैंड्स को क्लीन करें और उसे इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से इसको मैश कर लें। इसमें बिल्कुल भी जो बनाना के पार्ट है वो सॉलिड नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए आप इसमें मैशर जो होता है, पोटैटो मैशर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से पूरा मैश कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो बनाना है वो मैश हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप पाउडर शुगर, और यहाँ मेरा जो 1/2 कप का मेजरमेंट है वो 200 ml का जो कप होता है, मैं उसका सेट का यूज़ कर रही हूँ। तो 1/2 कप मेरा 100 ml वाला कप है। तो यहाँ पे हम अब पाउडर शुगर को और बनाना को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे हैंड व्हिस्क का यूज़ भी कर सकते हैं, और मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ करने वाली हूँ। एक मिनट लगेगा इसको फेंटने में, और एक मिनट में हमारा जो बनाना और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1/4 कप घी। आप चाहे तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर का सॉफ्ट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 tablespoon इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ये नॉर्मल पानी है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे एक बार, ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले इस बाउल में हम सारा वेट इंग्रेडिएंट मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो अब नेक्स्ट पारी है 1 teaspoon विनेगर की। हाफ टी स्पून मैं इसमें डालने वाली हूँ वेनिला एसेंस, और अब इसको एक बार हम फेंट लेंगे। वेट इंग्रेडिएंट हमारा रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 1 cup, जो 200 ml का 1 cup है उससे मैंने लिया है 1 cup मैदा। आप चाहें तो ये रेसिपी आटे से भी बना सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो हाफ मैदा और हाफ आटा भी ले सकते हैं। इसमें अब ऐड करूंगी मैं 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, चुटकी भर दालचीनी का पाउडर, और अब हमें इस सब को मिक्स कर लेना है। तो इसको मैं पहले इस तरीके से मिला लेती हूँ, ताकि ये मैदा इधर उधर उड़े ना।
कप केक फेंट के टाइम कभी भी आप बीटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई पे ना करें, मीडियम पे ही रखें। सेकंड से थर्ड की जो स्पीड है वो उसकी ठीक होती है। हमारा अब बनाना कपकेक का बैटर जो है वो बनके तैयार है। इसको अब मैं डालूंगी हमारे कपकेक के मोल्ड में। तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैंने पेपर लाइनिंग डाली है। और ये आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है कपकेक का, उसको मैंने लिया है हमारे पाइपिंग बैग में। ये थोड़ा सा गाढ़ा बैटर है तो इसको जब हम चम्मच से डालेंगे तो इधर उधर अच्छे से जाएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको पाइपिंग बैग में लिया है। अब इसको हम हाफ या फिर 3/4 मोल्ड में डालेंगे। इसका आप लोफ भी बना सकते हैं लोफ टिन में। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के हमारे 7 कपकेक बन जाएंगे। और अगर आपका थोड़ा सा अगर साइज़ बड़ा हो मफिन का तो हो सकता है ये 6 बने। तो इसको हम एक बार इस तरीके से करेंगे टैप, ताकि जो हमारा ये बैटर है वो भी लेवल में हो जाए और जो बबल्स हो वो भी रिलीज़ हो जाए। 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था। तो जब तक हमने ये बैटर रेडी किया हमारा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है। इसको बेकिंग के लिए डालने से पहले इसमें अब हम डालने वाले हैं कुछ चॉको चिप्स। आप चाहें तो इस चॉको चिप्स को बैटर में भी मिला सकते हैं, पर इस तरीके से दिखने में भी अच्छा लगेगा और ऊपर चॉकलेट के चिप्स भी आएंगे मुँह में, तो इसलिए मैं इसको डेकोरेशन में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जैसे भी यूज़ करें। और अब सेम 180 डिग्री पे 18-20 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी बेक होने के लिए। मेरे ओवन का साइज़ छोटा है जिसमें मैं इसको बेक होने के लिए रखने वाली हूँ, तो हो सकता है कि ये 20 मिनट में भी बेक हो जाए। और अगर इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा है, अगर आपके ओवन का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है वो 22-23 मिनट ले ले या फिर 25 मिनट भी ले ले। तो 15-18 मिनट के बाद आप अपने कपकेक पे थोड़ी सी नज़र रखें। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेक होने के बाद। तो ये देखिए 20 मिनट में हमारे जो कपकेक है ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। तो इसको मैं मोल्ड से निकालती हूँ। तो ये देखिए हमारे मफिन्स, बनाना मफिन्स, और ये मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। ये देखिए मफिन्स की कपकेक जो होते हैं या फिर केक है, स्लाइस केक है, ट्रेवल केक है, सबके बैटर की कंसिस्टेंसी पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारा जो केक है वो कैसा बेक होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा जालीदार बेक हुआ है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।